श्रीमद देवी भागवत वह दुर्गा पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 414 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा छठा सकंद 414 पृष्ठ। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बताने लगे फिर ज्ञान, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखना है वेद के पूर्ण विद्वानों के फिर अमृत वचन। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। आदिया सतयुग के ब्राह्मणा का ज्ञान थे, वो दुर्गा की भक्ति करते थे, उससे के दर्शन करना चाहते थे। और वेद में कहीं भी दुर्गा की उपासना का जिक्र नहीं, ना गीता जी में कहीं पर उसका वर्णन है। तो ये शास्त्र विधि को त्याग कर मनमान आचरण करते थे और वेद ज्ञान नहीं था। वेद ज्ञान होता तो ये डड़ेड होते, दुर्गा की पूजा करते, दुर्गा कहती ओम का जाप करो, उस ब्रह्म की साधना करो, सब छोड़ दो। अब यहाँ देखो, धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, व्यास जी कह रहे हैं, राजन उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे, वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ओए होए, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, आप जी के समक्ष ये सब इतिहास हो गया। ना विष्णु जी को वेद का ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान और ना दुर्गा को कंप्लीट ज्ञान है और ना ब्रह्म को पूर्ण ज्ञान है। अब परमात्मा क्या कहते हैं, तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। अपने आत्माओं, हमने सबसे पहले ये निर्णय करना है कि कौन सी साधना ठीक है, कौन सी गलत है और कौन सा ज्ञान ठीक है, आत्मिक ज्ञान कौन सा कंप्लीट है। जो ज्ञान आपके पास पहले था उसका तो आपको पता ही है और जो हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं वो ज्ञान फाइनल है और उसी के आधार से मोक्ष संभव है, उसी के आधार से सुख होगा। अब पुण्यात्माओं, कल भी आपको बताया था कि परमेश्वर का पाना, मोक्ष प्राप्त करना ये कोई कठिन काम नहीं, सबसे आसान काम है, यह सबसे इजी जॉब है। आपको ये विश्वास होना कि जो साधना ये दास बता रहा है ये सत्य है, ये महाकठिन काम है। ये महाकठिन क्यों हो गया, क्योंकि परमात्मा कहते हैं नौमण सूत उलझिया ये ऋषि रहे झख मारे, सतगुरु ऐसा सुन जा दे भाई उलझे न दूजी बार, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना जो थोथा बुस छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। अब क्या बताते हैं के गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो, अब गुरु ये अज्ञानी भी गुरु पद प्राप्त करके प्रसिद्ध हो गए,
इसलिए सतगुरु शब्द की उपमा की आवश्यकता पड़ी परमेश्वर के साथ लगाने में। उस परम संत के साथ सतगुरु शब्द लगाना इसलिए अनिवार्य हो गया कि नकली गुरु बहुत हो गए, नहीं तो गुरु शब्द ही काफी है यदि ज्ञान ठीक हो। अब क्या बताते हैं परमात्मा के सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना, और सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे ना सार रहे अज्ञानी। पुण्यात्माओं परमेश्वर कबीर देव जी के अतिरिक्त और उनसे जिनका संपर्क हुआ साक्षात्कार हुआ दिन महान आत्माओं को परमात्मा मिले यहाँ के, अपने गुण के आधार से प्रभु यहाँ आते हैं जैसा कि वेदों में वर्णित है, ऐसी लीला वो करते हैं। उन महापुरुषों को छोड़कर आदरणीय धर्मदास साहिब जी आदरणीय, नानक साहिब जी आदरणीय, मुरुखदास साहिब जी आदरणीय, दादू साहिब जी आदरणीय, गरीबदास साहिब जी छुड़ानी वाले हरियाणा झज्जर जिला में जो पड़ता है छुड़ानी गांव, वो गरीबदास साहिब जी, और खेखड़ा वाले घीसादास साहिब जी यूपी में बेरठ के अंदर जो ग्राम है खेखड़ा, वहाँ घीसादास जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे उनके अतिरिक्त, और अब इस दास के ऊपर मेर की परमेश्वर ने, इस पृथ्वी पर इस मार्ग से कोई परिचित नहीं है। और उन महापुरुषों को परमात्मा ने आदेश दे दिया था कि इसको क्लियर ना करना, अभी गुप्त छुपा के रखना, यदि तुमने अभी उस समय में यदि इसको क्लियर कर दिया जाता, स्पष्ट सार्वजनिक कर दिया जाता, तो ये नकली गुरु भी इसी ज्ञान का ढंडोरा पीट रहे होते, लेकिन ये अधिकारी ना होने से आपका कल्याण नहीं कर सकते थे। परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिखा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, ये जो तत्व ज्ञान है अभी छुपा के रखना, और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। फिर कहा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नित रही। अपनात्मा नानक साहिब जी की जन्म साखियों में एक बहुत अच्छा प्रमाण मिला है, और पुण्यात्माओं पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे पुण्यात्माओं को अपने ग्रंथों का ज्ञान नहीं, पवित्र सिख धर्म में जन्मे उन पुण्यात्माओं को गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर क्या खजाना उसका ज्ञान नहीं, और पवित्र ईसाई धर्म में जन्मे उन पुण्यात्माओं को पवित्र बाइबल के अंदर क्या अनमोल ज्ञान है उसका उनको ज्ञान नहीं। ऐसे ही मुसलमान धर्म में उत्पन्न हुए पवित्र आत्माओं को कुरान शरीफ के अंदर क्या वर्णन है यथार्थ ज्ञान नहीं, वो सभी भी दास ने बताना पड़ा। ऐसे ही एक सिख धर्म के अंदर जो पुण्यात्मा जन्मे हैं उनको ये ज्ञान हुआ, तो उन्होंने फिर और सिर्च करने की जो चेष्टा की कि अवश्य कोई और रहस्य मिलेगा। तो जन्म साखी एक सिख बच्चे ने आकर दिखाई कि ये तो जी आपने जो बोला था यह स्पष्ट हो रहा है कि मर्दाना और बालाजी गुरु नानक देव जी के बहुत निकटतम बच्चे थे, शिष्य थे। बालाजी के द्वारा लिखी गई है वो एक जन्म साखी, उसमें स्पष्ट किया है कि नानक साहिब जी यही नाम जाप करते थे जो दो मंत्र का है, सतनाम यही है, और मर्दाना ने वो जाप शुरू कर दिया था पर नानक साहिब ने कह दिया था खबरदार जो ये नाम जाप करा तो अपने आत्माओं क्यों किस लिए मना किया उन्होंने कि परमेश्वर का आदेश था कि तुम इसका जाप करो क्योंकि तुम वो महान आत्मा हो जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में के जिन पुण्य आत्माओं को श्रेष्ठ आत्मा को अच्छी आत्मा को अच्छे पुरुष को वो आकर मिलता है फिर उनको दृढ़ ज्ञान से दृढ़ करता है वो दृढ़ भक्त होते हैं। अब नानक जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में था और जब नानक साहिब जी को ये ज्ञान हुआ, नानक देव जी को ये ज्ञान हुआ, यथार्थ परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने सब लोग लाज तोड़ दी और ब्रह्मा विष्णु महेश का सच्चाई से ज्ञान विरोध करने लगे कि ये पूजा ठीक नहीं, तो उन उसके माता पिता वहाँ उसमें गुरु रिश्तेदार सब विरोधी हो गए थे, नानक जी ने किसी की परवाह नहीं की, वो दृढ़ भक्त थे और उन्हीं को परमात्मा आके मिलता है। तो उसमें परमात्मा ने मना कर दिया था कि ये नाम मत देना किसी को, अभी तुम जाप करो और पार हो जाओ।
तो परमेश्वर ने यह कृपा बख्शी थी कि ये ज्ञान तो पहले ही था, उनको आदेश नहीं था आगे देने का, आगे मंत्र भी देने का किसी को अलाउड नहीं था, इस दास पर वह रजा बख्शी है। ये बिचली पीढ़ी आ गई, अब शिक्षित समाज हो गया। पहली जो पीढ़ी थी पुण्यात्मा थे सभी मनमानो, लेकिन इन नकली गुरुओं ने उनको मिसगाइड करके उनका जीवन व्यर्थ कर दिया। और यदि उस समय ये ज्ञान मालिक का प्रकाश आ जाता तो ये नकली संत ऋषि महर्षि इसी ज्ञान का ढंडोरा पीटते मिलते। आज ये राधा स्वामी वाले फंस गए, पांच नाम देर पांचों काल के। अब पुण्यात्मा होंगे वो समझ जाएंगे, और बुद्ध होंगे पड़े रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरुधाम ना पहुंचेंगे ये चौरासी के ठोर। चातुर प्राणी चोर हैं ये मूड मुगद ठोठ, और संतों के निकाम के इनको जोगल जोट। इतना प्रमाण देखकर भी नहीं मान रहे हैं तो फिर वो बुद्धू हैं, मूड हैं, ठोठ हैं, वो तो वहीं ठीक है। यहाँ तो पुण्यात्मा आएंगे जिनके अच्छे दिन होंगे, बहुत पुण्य होंगे। जो ये कंसेप्ट हम क्लियर करना चाहते थे कि ये जो मंत्र हैं ये साधना परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वर्णित कर दी थी, लेकिन इनको गुप्त रखा था। और अब इस समय में ये बिचली पीढ़ी आ गई, सब शिक्षित है, और लास्ट की जो पीढ़ी होगी इस कलयुग में मानव समाज जो होगा बिल्कुल कृतघ्नी हो जाएंगे। कोई भी कलम से लिखे वेद शास्त्रों को नहीं मानेंगे। अब भी इन्होंने ऐसा काम कर दिया है अन्य पंथों ने, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और ये निरंकारी वाले, ये कहते हम नहीं मानते वेद और पुराणों में जो लिखा है, और ना हम किसी और की बात को मानते, हम तो हमारे सतगुरु ने जो वचन बोल दिए वही फाइनल है। तो अब ये नास्तिकता की ओर ले जा रहे हैं पुण्यात्माओं को, जिन्होंने 20-20 30-30 40-40 वर्ष हो गए उन दूसरे पंथों से उपदेश लिए, और जो पहले क्योंकि उनके पुण्य थे तब तक तो वो ठीक चले, चार्जर ठीक लगा नहीं, साधना ठीक मिली नहीं, तो उनके वो पुण्य अक्षीण हो लिए, अब उनकी दुर्गति हो रही है। यहाँ आकर नाम लेते हैं, जो इस ज्ञान को सुनते हैं वो रोते हैं बैठ कर घंटों, अगर हमने जीवन बर्बाद कर दिया उन नकली संतों और पंथों के पास जाके। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपके ऊपर परमात्मा की यह मेहर बरसा हो रही है, ये दया हो रही है प्रभु की, आपको खजाना मिल रहा है। काल ने इसको छुपा रखा था कि कहीं ये मनुष्य का हाथ लग गए सब पार हो जाएंगे, परमात्मा ने आके इसके ऊपर पड़ा हुआ वो अड़ंगा हटा दिया। कबीर परमेश्वर कहते हैं नौ मन सूत उलझिया, यानी एक मन में 40 किलो और नौ मन में 360 किलो वजन होता है। एक किलो सूत अगर उलझ जावे, कच्चा धागा होता तो उसको सूत बोला करते, जो चरखे पर काटा जाता था, और उसको अगर उलझ जावे उसको सुलझाना बहुत कठिन हो जाता था। सारा सारा दिन एक किलो सूत नहीं सुलझा, उलझा हुआ हो तो, और उसको सुलझाना आवश्यक। अगर उसको तोड़े तो गांठ लग जाए, गांठ लगे तो कपड़ा ठीक नहीं बना जा, वो मेहनताना खत्म हो, तो उसको सुलझाना अति आवश्यक और गांठ नहीं पड़नी चाहिए। एक किलो को सुलझाना इतना कठिन और नौ मन सूत उलझा हुआ हो, तो इन अज्ञानी संतों ने काल प्रेरणा से इस आध्यात्मिक ज्ञान रूपी नौ मन सूत को उलझा रखा था। कोई कुछ मंत्र कहे, कोई कुछ बतावे, कोई कोई डेफिनेशन बना रखी है। अब परमात्मा कहते हैं नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अपने आत्माओं, ये ऐसा ज्ञान क्लियर हो गया है, ऐसा क्लियर हो गया इस कलयुग में ये दोबारा नहीं उलझेगा नहीं। जिन्होंने भक्ति करनी है उनका बेड़ा पार है, जिन्होंने नहीं करनी है वो उनकी अपनी किस्मत, उनका दुर्भाग्य होगा। लेकिन अब कलयुग में भक्ति युग जब तक ये चलेगा, अब ज्ञान दूसरा नहीं रहेगा, एक यही ज्ञान रहेगा विश्व में, और इस ज्ञान के सामने ये नकली ज्ञान टिकेंगे नहीं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का भाई करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी,
अब आपने सारे की गैंडडी सुन दी, ब्रह्मा विष्णु सर्वे सुरबत